धर्म यात्रा की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम लेकर चलेंगे जमशेदपुर से 25 किलोमीटर दूर पटमदा ब्लॉक के गोबरघुसी गांव, जहां माता दुर्गा की पूजा 300 साल पूर्व से की जा रही है। जिस गांव की पौराणिक कहानी एक राज परिवार से जुड़ी है, जिसके बलशाली पराक्रमी राजाओं ने अंग्रेजों को देश आज़ादी के पूर्व ही यह क्षेत्र छोड़ देने पर मजबूर कर दिया था। पटमदा से 3 किलोमीटर पहले पहाड़ व जंगल के बीच स्थित इस गांव में माता का भव्य मंदिर तो नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से माता दुर्गा की पूजा होना उनकी महिमा और भव्यता को दर्शाने के लिए काफ़ी है। मंदिर और राजघराने के वंशज के खंडहर हो चुके मकानों की दीवार जो इस इतिहास के गवाह में आज भी खड़े हैं। आज मंदिर के दर्शन के साथ हम आपको बताएंगे इस राजघराने और उनके पूर्वजों की गाथा। हम आपको दिखाएंगे वह विशाल धनुष जिसके आगे अंग्रेजों के हथियार भी पड़ गए थे बौने। भक्ति, आस्था, विश्वास और राजा के पराक्रम की गाथा जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। पटमदा के गोबरघुसी गांव के लिए हमें जमशेदपुर डिमना चौक से होते हुए डिमना लेक व धलमा के पहाड़ी की तराई होते हुए पहुँचना होगा। इस गाँव पहुँचने तक खुद को आप प्रकृति की गोद में होने जैसा महसूस करेंगे। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला, हरे भरे जंगल, खेत आपको अपनी ओर खींच लेंगे। पटमदा से 3 किलोमीटर पहले दाहिने मुड़ने पर रास्ता गोबरघुसी गांव की ओर जाता है। मुख्य सड़क से करीब 2.5 किलोमीटर की कच्ची पक्की सड़क पार कर हम उस स्थल पर अब पहुँच चुके हैं जहाँ माता की आराधना में ग्रामीण लीन हैं। 300 साल से भी ज़्यादा पहले से हो रही माता दुर्गा की पूजा ऐसे तो यहाँ साल में एक बार ही नवरात्र में होती है। गांव वाले बताते हैं माता की प्रतिमा को जिस लकड़ी की वेदी पर स्थापित किया जाता है वह तकरीबन 300 वर्ष पुरानी है। बेल की लकड़ी के मोटे डाल को वेदी का स्वरूप दिया गया है, उसी के ऊपर वर्षों से मूर्ति रखी जाती है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन नवरात्र में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पूजा के दौरान एक विशेष प्रकार का लड्डू माँ को चढ़ाया जाता है। बेसन से बने बड़े आकार का लड्डू जो एक धागे से बंधा होता है। पूजा के पहले ही दिन लोग अपनी मन्नत के साथ उस लड्डू को लेकर आते हैं। पुजारी उस लड्डू को माता के सामने बंधी रस्सी पर उसे टांग देते हैं। मान्यता है कि माता उसे ग्रहण करती है। पूजा के बाद उस लड्डू को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा जाता है। मंदिर के संबंध में जानकारी दे रहे हैं बेनु सिंह जी। ये दुर्गा पूजा मंदिर बहुत पुराना है। 500 साल से ये दुर्गा मंदिर का पूजा आरंभ हुआ है, जो कि जंगराम सिंह ने पूजा का आरंभ किया था। जंगराम सिंह हुआ, मनमोहन सिंह हुआ, राधा गोविंद सिंह हुआ, वृंदावन सिंह हुआ, दिगंबर सिंह हुआ, ये पूजा चलाया करता था। ये पूजा अभी सार्वजनिक दुर्गा पूजा के रूप में चलाया जा रहा है। इस गांव से जुड़ी एक और ऐतिहासिक बात आपको हम बताते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में कालाचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ग्रामीण बताते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिया था। इससे प्रभावित होकर बाद में कालाचंद्र जी की एक मंदिर बनाकर उनकी पूजा आरंभ की गई। इस मंदिर को 500 साल से भी ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन अब यह मंदिर बिल्कुल खंडहर हो चुका है। मंदिर में पूजा अब नहीं होती है, लेकिन हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भव्य रूप से पूजा आयोजित की जाती है। अभी हम खड़े हैं जमशेदपुर से 25 किलोमीटर दूर पटमदा ब्लॉक के गोबरघुसी गाँव में। यह गाँव माता और उनकी पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह पूजा करीब 300 साल पुरानी है। हमारे सामने आप देख रहे होंगे ये एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में करीब 500 साल पहले पूजा हुआ करता था। मंदिर की दीवार उसके पौराणिक होने की गवाह है। मंदिर के ठीक सामने एक कुआं है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे जमींदार भरत सिंह ने ही बनवाया था। आइए आपको दिखाते हैं वह धनुष जिसने अंग्रेजों को हथियार डालने पर कर दिया था मजबूर। राजा भरत सिंह कितने बलशाली और पराक्रमी थे उसका प्रमाण उनका यह धनुष ही है। ये जो आप देख रहे हैं यह धनुष है।
ये बताया जाता है करीब 500 साल पुराना धनुष है जो आर्थ भरत सिंह जी ये उसका उपयोग करते थे। चूंकि जमींदार थे तो ये उनको खतरा था कि बाहर से कोई आक्रमणकारी आया, गांव ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वो इस तरह का ये धनुष इस्तेमाल करते थे। आप देखते बहुत ही भारी, मतलब एक आम आदमी नहीं उठा पाएगा इतना इसका वजन है। ये लोहे का सिक्कड़ और उसकी जंजीर से बना हुआ है ये धनुष। परिवार के सदस्य बताते हैं कि इसके साथ कई ऐसे तलवार व भाला भी उस जमाने के थे जो कई वर्ष पूर्व तक था, लेकिन अभी एक यह धनुष ही बचा है जिसे परिवार वाले संजोए रखे हैं। धर्म, आस्था, विश्वास, इतिहास से जुड़ी यह कहानी और वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अभी विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक ऐसी आस्था व रोमांचक भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।